सोलह स्टार्ट पढ़ने का मन है बोलो तो आने का मन है स्टडी युवाना टीच क्या युवाना टीच क्या बोलो कुछ यस आवाना टीच बोलो पढ़ाओगे पढ़ाओगे बोलियो टीच क्या चलिए अगर आपको याद हो तो फर्स्ट डे मैंने आपसे कहा था कि भी हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में ना सिर्फ और सिर्फ ना दो तरह के सेंटेंस होते हैं, ऐसा मैंने फर्स्ट डे बोला था। और जो दो तरह के होते हैं उनके बारे में मैंने बताया भी था, और वो जो दो तरह के सेंटेंसेस आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आप बता दो, बताओ। चले तो यानी क्या है कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं चलो आप बताओ, बताओ कौन कौन से होते हैं। अच्छे से अच्छा इंग्लिश बोलना बोलने वाला भी सिर्फ और सिर्फ दो तरह के सेंटेंस बोलता है, तो कौन कौन से होते हैं अभिमन्यु? अच्छा कह रहा तो चाह रहे वैसे पर थोड़ा घुमा फिरा कर रहे हैं। चलिए भाई और तुम बताओ क्लियरली, हाँ बताओ कुलदीप। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड नॉट कम ऑन फर्स्ट डे बट आई टेल यू अबाउट दिस दैट देयर आर टू टाइप ऑफ एक्शन, फर्स्ट टाइप एक्शन एंड सेकंड टाइप नॉन एक्शन। चलिए यानी एक तो एक्शन और दूसरे नो एक्शन, यानी दो तरह के हमारे जो है सेंटेंसेस होते हैं। अच्छे से अच्छा इंग्लिश बोलने वाला इनपे बोलता है, आप भी सही कर रहे थे प्रयास है, क्लब पर मैं सो। यानी जब फर्स्ट डे मैंने बताया था कि भी हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में सिर्फ और सिर्फ दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अच्छे से अच्छा इंग्लिश बोलने वाला भी सिर्फ दो तरह के सेंटेंस बोलता है, एक तो एक्शन और दूसरे नो एक्शन। नो एक्शन बोलो जी। नो एक्शन। यानी एक तो काम वाले सेंटेंस और एक बिना काम वाले सेंटेंस। बिना काम वाले नो एक्शन। क्या नो एक्शन? नो एक्शन क्या? नो एक्शन। बोलो कुछ। नो एक्शन। अरे वाह। नो एक्शन। यानी एक तो वो सेंटेंस जिन सेंटेंसों का काम होता है उसके लिए हम बोलते हैं एक्शन। क्या एक्शन? एक्शन क्या एक्शन? जिन सेंटेंसों का काम नहीं होता है ना उसके लिए हम बोलते हैं एक्शन। क्या? नो एक्शन। नो एक्शन। एक तो काम वाले सेंटेंस और एक नो एक्शन। बिना काम वाले सेंटेंस नो एक्शन। अच्छा है, अभी तक जो हमने बात की है वो किस पार्ट की बात करी है हमने? किसकी बात करी है? एक्शन की बात की भाई, अब तक जो बात की हमने वो एक्शन की बात की है, यानी जिन सेंटेंसों में काम होता है होता एक्शन है। चलिए तो एक्शन की बात करने के लिए हमारे पास कुछ सपना टाइमर्स थे, हैं कुछ टाइमर्स हमारे पास थे, और प्रेजेंट की बात करें तो हमारे लिए क्या था हमारे पास? डूडल्स। क्या था जी? डूडल्स। क्या था? डूडल्स। क्या? डूडल्स। और पास्ट के लिए था, और फ्यूचर के लिए जब काम चल रहा था तो क्या था? बोलो। कोई कह रहा है जब काम चल रहा था तो क्या ले ड्राइवर आईएनजी भैया चलो इसे। चलिए और इजमान का जो पास्ट होता है ना होता है बहुत क्या होता है बहुत तो पता होगा समझदार है। चलिए तो यानी हमारे एक्शन की बात करने के लिए हमारे पास जो टाइमर थे वो इस तरीके से कुछ टाइमर थे हमारे बहुत बार काटे थे। यस सर। नो एक्शन की बात करने के लिए भी हमारे पास कुछ टाइमर्स होते हैं, नहीं मतलब भाई बंदे हो क्या कर रहे हैं, तो कुछ टाइमर्स हमारे पास होते हैं। हमारे को भी मैंने जिला किससे बोल दिया मंजू को बोला मंजू को
ये ले रहा है नहीं चले मंजू नहीं है ये आप मंजू नहीं हो अच्छा ठीक है सही तो है नाम याद है चले तो यानी एक्शन की बात करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से टाइम वर्ड्स होते हैं और नो एक्शन की बात करने के लिए भी हमारे पास टाइम वर्ड्स होते हैं और वो क्या होता है प्रेजेंट की बात करें तो एग्जाम आर और पास्ट की बात करें तो वाज वाज इस तरीके से हमारे पास कुछ टाइम वर्ड होते हैं नो एक्शन की बात करने के लिए भी गॉट इट यस गॉट इट यस गॉट इट अच्छा आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस सेंटेंस में काम है किस में नहीं है जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि भाई आई एम टीचिंग तो टीचिंग यानी इसमें एक्शन अभी इसमें काम चल रहा है मैंने बोला है डॉक्टर तो भाई क्या है एक्शन है डॉक्टर है पढ़ा रहता है बैठा रहता है तो इसमें कोई काम नहीं तो यानी एक तो काम वाले सेंटेंस और एक नो एक्शन बिना काम वाले सेंटेंस क्या नो एक्शन नो एक्शन क्या नो एक्शन बोलो ना नो एक्शन तो मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ आपको बताना है कि एक्शन है कि नो एक्शन है और ये भी गेस करना है आपको कि दोनों के बीच में अंतर क्या आ रहा है किसमें क्योंकि जमार बोलवर तो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है दोनों में जमार बोलवर आएगा आखिरकार आप पहचानेंगे कैसे इस चीज़ को तो इस चीज़ को भी आपको नोटिस करना है और आपको ये भी बताना है कि एक्शन है कि नो एक्शन है गॉट इट यस गॉट इट यस गॉट इट ओके क्या यस गॉट इट ही इज गोइंग एक्शन एक्शन पहचान है तो कैसे पहचान रहे हो अगर क्या अंदर आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है कैसे पहचान रहे हो बस एक आइडिया लग रहा जी है कैसे बोलो कैसे पहचान रहे हो हाँ कैसे पहचान रहे हो यस कैसे यार कैसे पहचान रहे हो कैसे पहचान रहे हो एक्शन में एक्शन सर इन एक्शन द वर्क इज कंटिन्यू अच्छा और इन नो एक्शन वहाँ पर काम बिल्कुल ठप पड़ा है पड़ा है मतलब एक्शन में जो है काम चल रहा है और नो एक्शन में काम ठप पड़ा है हाँ अभिमन्यु क्या डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों सेंटेंस में जब हम बोलते हैं मैंने बोला आई एम टीचिंग एक बोला मैंने ही जा डॉक्टर एक्शन इज वर्क अच्छा जी बात ही ना करी सपने में मैंने सोचा मैंने स्पीकिंग में तो चले भाई अरे सीधी सी बात है इसमें एक्शन मिलेगा यार इसमें एक्शन नहीं मिलेगा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आपको इसमें आईएनजी देखने को मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा भाई इसमें आईएनजी आपको नहीं मिलेगा और इसमें आपको मिलेगा जैसे मैंने बोला आई एम स्पीकिंग इंग्लिश तो बोलो आईएनजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है yes, sir. मैंने बोला ही इज अ गुड स्पीकर नो एक्शन आईएनजी आ रहा है नो एक्शन एक्शन है गॉट इट यस गॉट इट पांच चीजें हैं जो हमेशा नो एक्शन होती है उनकी जो हम बात करते हैं वो नो एक्शन से ही करते हैं इंग्लिश में पांच चीजें होती हैं जो जिनकी जो हम बात करते हैं वो नो एक्शन से करते हैं और वो कौन कौन सी होती हैं उनको जानने का प्रयास कर लेते हैं अगर हम पहला देखें तो पहला जो होता है हमारा वो होता है नेम क्या होता है नेम क्या होता है नेम क्या होता है नेम क्या नेम किसी का भी नेम है
आपको बताना है वो किससे आप बताएंगे? नो एक्शन सर। नो एक्शन किससे? नो एक्शन। नो एक्शन की बोलो। नो एक्शन। जब आपको बोलना है कि भई ये दीपक है तो दीपक इज मिस्टर दीपक। क्या इज मिस्टर दीपक? इज मिस्टर दीपक। मोहित है? इज मिस्टर मोहित। इज मिस्टर मोहित। यस सर। का भी नेम आपको बताना है, आप किससे बताएंगे? नो एक्शन। नो एक्शन बोलो जी। नो एक्शन। धन्यवाद। नो एक्शन। नो एक्शन। बोला कुछ है? नो एक्शन। दोबारा निकल ले। नो एक्शन। वैसे तो बैठ चुका बोल गया जी, और मैं उसके बाद लड़ मार जाऊंगी बोलो भी तो सही, तेज तो बोलो। वो पावर होता बहन के लिए आ सकते, अपने लिए नहीं, कुछ नहीं है बहन के लिए, सब कुछ क्या बात है, क्या कोई बात है? चले तो किसी का भी नेम आए आपको क्या यूज करना है? नो एक्शन। क्या? नो एक्शन। नो एक्शन। क्या? नो एक्शन। नो एक्शन। नो एक्शन। कुछ? नो एक्शन। और अच्छा यार, जैसे मान लीजिए आप रहे आपको नेम बताना है तो आप किससे बताएंगे? नो एक्शन। आपको बोलना है कि मैं राहुल हूँ। चलिए वैसे जो है पता है क्या है, अपने लिए रेस्पेक्ट देना चाहिए तभी सामने वाला करेगा, ये याद रखना है। कीप दिस थिंग इन माइंड, जब आप अपने लिए रेस्पेक्ट करोगे ना तो सामने वाला भी आपको करेगा। yes, और ये अपना अपना भी होता है, आप अपने आप को कैसे कर रहे हैं रेस्पेक्ट, ये टेक्निक होता है, फिर सामने वाला ऑटोमेटिकली करने लगता है। गॉट इट? यस गॉट इट। यस गॉट इट। यस गॉट इट। अपना नेम भी आपको बताना है तो आप किससे बात करेंगे? नो एक्शन। नो एक्शन। क्या? नो एक्शन। मुझे अपना नाम बताना है तो मैं कहूँ भैया जी हैं, तो इस तरीके से बता देंगे, ये नहीं होगा आई एम जीती, यानी आई एन जी नहीं घुसेगा, जैसे मैं कह रहा था आई एन जी नहीं आएगा, जैसे मैं आई एम जीती, क्यों आई एन जी नहीं आता? गॉट इट? अरे गॉट इट। यस गॉट इट। यस गॉट इट। यस गॉट इट। किसी के भी नेम की आप बात किससे करेंगे? नो एक्शन। नो एक्शन। बोला कुछ? नो एक्शन। नो एक्शन। बोला कुछ? नो एक्शन। कहाँ पावर? नो एक्शन। इसमें पावर दिखाओ? नो एक्शन। नो एक्शन। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है ऑक्यूपेशन। क्या आता है? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन बोलो जी। ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन। क्या? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब है काम या धंधा। काम या ऑक्यूपेशन। कौन कौन बोला हिंदी? कोई भी ना बोला? नो सर। है यार सबके सब ना धोखा है? यस सर। कोई भी बिना नहाए धोए नहीं बैठा था? नो सर। चलो कोई ना, तो आपको पेशर का होता है काम या धंधा। काम या ऑक्यूपेशन। बोले हैं ने तो आपको पेशर मतलब ऑक्यूपेशन। काम या ऑक्यूपेशन। धंधा क्या? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन। काम या धंधा ना होता? ऑक्यूपेशन। ठीक है तो आपको पैसे मतलब क्या? काम या धंधा। काम में धंधा कहते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये मरीजों को देखता है तो ये क्या हो गया? डॉक्टर हो गया जी। बोला कि भाई डॉक्टर ही जा डॉक्टर। क्या? ही जा डॉक्टर। बोलो ही जा डॉक्टर। डॉक्टर क्या? ही जा डॉक्टर। ही जा डॉक्टर। डॉक्टर क्या? ही जा डॉक्टर। ही जा डॉक्टर। मान लीजिए क्रिकेट खेलता है तो प्लेयर हो जाएगा। ये इसका क्या है मतलब? काम हो गया, प्रोफेशन हो गया। गॉट इट? यस गॉट इट। 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 जब भी ऑक्यूपेशन की बात आएगी आप किससे बात करेंगे? नो एक्शन। नो एक्शन से। किससे? नो एक्शन। नो एक्शन। नो एक्शन। नो एक्शन। ऐसे इसमें नंबर 3 पॉइंट आपका आता है रिलेशन। क्या था जी? रिलेशन। रिलेशन। क्या? रिलेशन। रिलेशन। क्या? रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? रिलेशन। हैं? रिलेशन। संबंध। क्या? रिलेशन। बोलिए हिंदी बोलना तैयार ना है, कितना डर है 5 रुपए का, इसका मतलब तो बहुत पहले लगा देना चाहिए था मुझे फाइन है, अब तो 1 मिनट बोल रहा होता। तो रिलेशन का मतलब रिलेशन। संबंध। क्या? रिलेशन। जब भी संबंध की बात है जैसे बोलना है कि मेरे पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, तो किससे आप बताएंगे? नो एक्शन। है? नो एक्शन। नो एक्शन। किससे? नो एक्शन। बोलो कुछ? नो एक्शन। ये मेरा भाई
is my brother. Is my brother. Is my brother. Papa ji hai. Is my father. Is my father. Father kya? Is my father. Mummy ji hai. Is my mother. 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 She is my mother kya? She is my mother. आप ना बॉडी गार्ड की करना भूल जाओ, चिंता ना करो। चलिए तो रिलेशन मतलब संबंध, रिलेशन मतलब चौथी चीज आपकी आती है भाई, वो है आपकी कंडीशन। क्या है कंडीशन? क्या है कंडीशन? अब अवस्था कैसे, जैसे मान लीजिएगा आप खुश है, मान लीजिए खुश है, क्या है चाटा बार तो सैड हो जाएगा, फिर कंडीशन कैसे हो जाएगी इसकी? सैड बोलो जी, सैड बोलो सर। क्या करा फिर, मैं मार दे तो ना रोल लगेगी, सैड हो जाएगी। ये कमजोर समझ रखा तुमने इनको, तुम्हें ज्यादा पार बोलो है बताए, दौड़ लगा जाते। चले तो कंडीशन मतलब अवस्था, क्या शर्त होता है वैसे, कंडीशन मतलब यहाँ पर अवस्था की बात है, किसकी बात है अवस्था, क्या कंडीशन? तो किसी ना किसी की, हर किसी की कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। जैसे आज आपकी कंडीशन खुश है, कुछ दिन कंडीशन की सैड थी, आज किसी और की सैड होगी। अरे आवाज, जो पांचवी चीज इसमें आपकी आती है वो है आपकी क्वालिटी। क्या है क्वालिटी? क्वालिटी 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 क्या क्वालिटी क्वालिटी क्या क्वालिटी क्वालिटी क्या क्वालिटी बाल्टी नहीं है क्वालिटी क्या क्वालिटी क्वालिटी का मतलब होता है गुड़िया विशेषता, गुड़िया क्वालिटी। कर रहा भी झूठ है। क्वालिटी मतलब क्वालिटी, गुड़िया क्वालिटी है क्वालिटी। अच्छा जी ठीक है, तो क्वालिटी मतलब क्वालिटी क्वालिटी। अब कैसे, जैसे मान लीजिएगा ये चालाक है, तो चीज के लेवल तो क्या है, चालाक तो हर कोई नहीं होता, तो इसकी क्वालिटी होगी है, ये मतलब क्या है क्वालिटी होगी। हमने कहा चीज ब्रेव भाई, बहादुर है, अब बहादुर हर कोई नहीं होता है, हमेशा अपनी पहली के लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये क्या है बहादुरी की क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं हो सकती। काटे ट्रे ईमानदार है तो ही ऑनेस्ट, तो ईमानदार हर कोई नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर दुनिया में बेईमान लोग भरे पड़े हैं। तो अब मान लीजिए बोलना है बेईमान, तो बेईमान भी अपने आप में क्वालिटी है, क्योंकि बेईमान भी हर कोई हो सकता, समझ हो सकते। तो बोला भी बेईमान है, डिसऑनेस्ट, क्या बोलो, ढीले हैं, तो अब ढीला भी कोई हर कोई नहीं हो सकता भैया, जो तो लेजी हर कोई नहीं हो सकता, गाड़ी ट्रेन लेजी नहीं, ये तो मेहनती है, बॉडी से मतलब लेजी है, गाड़ी ट्रेन गाड़ी
रहे हैं? Yes, Sade. Yes, Sade. जब भी बात आए क्वालिटी की आप किससे बात करोगे? No action. No action. किससे? No action. Got it. Yes, Sade. No problem. No problem. क्या बोलेंगे? I will speak. क्या बोलेंगे इंग्लिश? I will speak English. I will speak English. English. बोलो जी. I will speak English. इस तरीके से होंगे जैसा आपको अपने लिए बोलना है, जो भी कुछ की भी मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो आई एम, उसके बाद जो आप है वो बोल देना है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ. आई एम डॉक्टर. आई एम अ डॉक्टर. बोलो. आई एम अ डॉक्टर. बोलो. आई एम अ डॉक्टर. आई एम अ डॉक्टर. क्या? आई एम अ डॉक्टर. मैं लॉयर हूँ. आई एम अ लॉयर. आई एम अ लॉयर. लॉयर. क्या? आई एम अ लॉयर. आई एम अ स्टूडेंट. आई एम अ स्टूडेंट. आई एम अ स्टूडेंट. स्टूडेंट. बोलो जी. आई एम अ स्टूडेंट. यस आई एम. आप खुश हो? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? हैप्पी क्या? आर यू हैप्पी? यस आर हैप्पी. हैप्पी क्या? आर हैप्पी. बोलना जी. आर हैप्पी. हैप्पी क्या? आर हैप्पी. बोलना है कोई भी चीज ही है तो ही नहीं, उसके बाद नो एक्शन का वर्ड लगा देते. बोलना है कि प्लेयर है. इज अ प्लेयर. 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 बोलो जी. इज अ प्लेयर. एक्टर है. इज अ एक्टर. इज अ एक्टर. अरे एक्टर है. इज अ एक्टर. ही इज एन एक्टर. क्या? ही इज एन एक्टर. इज एन एक्टर. बोलो जी. ही इज एन एक्टर. इज एन एक्टर. क्या? ही इज एन एक्टर. यानी तो हीज और सवाल करना है तो इजी. क्या? इजी. अरे बोलो. इजी. चलिए खुश है. इजी हैप्पी. हैप्पी क्या? इजी हैप्पी. ही इज नॉट हैप्पी. ही इज नॉट हैप्पी. पास में जो भी चीज आप दे तो आए वो उसके बाद नो एक्शन का वर्ड लगा देना. क्योंकि मैं खुश था. आई वाज हैप्पी. परेशान था. आई वाज सैड. आई वाज सैड. क्या? आई वाज सैड. आई वाज सैड. यस गॉट इट. अरे गॉट इट. यस गॉट इट. नो प्रॉब्लम. आई विल स्पीक. आई विल स्पीक. बोलना तेरे. आई विल स्पीक. आई विल स्पीक. कंफर्म भी कर सकते हो ये चीज आप थे या नहीं तो आर यू. पूछो जी. फिर से नॉट हैप्पी. बोलो जी. यानी बैटरी लो है यार तुम्हारी. धीरे धीरे बोलते बोलते ऐसे ही है. इसको अच्छे से चार्ज करके आया करो ना. चले तो अब ही के बारे में आपको बोलना है. जो भी चीज ही था तो ही वाज और उसके बाद उसी का नेम लगा देना है. क्योंकि खुश था. ही वाज हैप्पी. ही वाज हैप्पी. परेशान था. ही वाज सैड. ही वाज सैड. ही वाज सैड. यस गॉट इट. नो प्रॉब्लम. आई विल स्पीक. आई विल स्पीक. आई विल स्पीक इंग्लिश. चलिए कंफर्म करना है तो वो जी क्योंकि ये चीज था या नहीं. कुछ ये प्लेयर था. वाजी आप प्लेयर. क्या? वाजी आप प्लेयर. बोलो जी. वाजी आप प्लेयर. ना.
प्लेयर बोलो ही वाज नॉट अ प्लेयर ही वाज नॉट अ प्लेयर बोलो ही वाज नॉट अ प्लेयर वाज या डॉक्टर वाज या डॉक्टर क्या वाज या डॉक्टर वाज या डॉक्टर यस ही वाज अ डॉक्टर वाज या डॉक्टर ही वाज अ डॉक्टर यस आई नो प्रॉब्लम आई विल स्पीक आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी आई सैड आई एम नॉट सैड जो उस दिन गेम क्लास में कर रहे थे डू यू डॉक्टर हो जाएगा डू यू डॉक्टर डू तो प्रयोग करते रिएक्शन में करते रिएक्शन में कहां करते डू यू डॉक्टर तो आज वो डॉक्टर क्लियर हो जाना चाहिए और कर लेना है आगे से नहीं सुनो डू यू डॉक्टर तुम डॉक्टर क्या क्या कर रहे थे भैया ऐसा नहीं करना वो रिएक्शन का मामला था और रिएक्शन का मामला आज से पूछने के लिए आप डॉक्टर हो आई डॉक्टर ठीक है तो आज का क्लास यही हम ब्रेक करेंगे और जो इसके बारे में हम लोग क्या क्या चीजों में आ सकती हैं वो चीजें हम कल सीखेंगे सो नॉट कल गॉट टुमारो इज संडे फन टुमारो कल मजे करो मीट और मंडे मंडे मिलते हैं तब तक के लिए बस है नाइस सर जी सर जी सर जी